दोस्तों टीम इंडिया ODI सीरीज जीत चुकी है 4-1 से और अब बारी है T20 सीरीज जीतने की। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, क्या बड़े चेंजेस हो सकते हैं टीम इंडिया में, क्योंकि विराट कोहली अभी टीम का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ यह भी खबर आ रही है कि MS धोनी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको बताऊं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप RS एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नॉस्टर प्रो ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि टीम इंडिया की क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 रह सकती है और MS धोनी को लेकर क्या रिपोर्ट है। दोस्तों, MS धोनी इस मैच को खेलने वाले हैं क्योंकि वो लास्ट ODI मैच में भी खेले थे और जो उनकी इंजरी थी उससे वो बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं और अब T20 खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वहीं अब अगर हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं, जहां पर यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि सीरीज में अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं तो अपनी जगह T20 स्क्वाड में तो बना ही लेंगे। तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 को अगर हम देखते हैं तो ओपनर्स को देखा जाए तो नो डाउट रोहित शर्मा और शिखर धवन ये यहां से ओपनिंग करने वाले हैं। तो वहीं नंबर 3 के स्पॉट की बात की जाए तो सुमन गिल है, इनके बाद ऋषभ पंत, MS धोनी, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद। तो इस प्रकार से टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 ये रहने वाली है, जहां पर स्पिनर्स के तौर पर युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव है, पेसर्स के तौर पर भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद है, हार्दिक पांड्या है और काफी तगड़ा मिडिल ऑर्डर भी यहां पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये तो रहने वाली है टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पहले T20 मैच के लिए। लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रह सकती है, क्या चेंजेस टीम इंडिया में हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और IPL से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी RS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।